Hi friends, welcome to Bodhisattva channel, and I am here with the banking part 3. This is regarding the banking reforms, and in this banking reform we'll be discussing about all the important committees which has been brought in for the reforms to be taken regarding the banking sector and to make it more better. So from those various committees, the first committee I'll be discussing about is the Narasimhan committee. And in Narasimhan committee there were two Narasimhan committees. One came in 1991 and the other came in 1998. So these were the two Narasimhan committees, and the following were the recommendation being made by the Narasimhan committee 1 and 2. First I'll be taking you through the 1991 committee. So in this committee, what Mr. Narasimhan had to say is, we must reduce the SLR and CRR. These are the quantitative tools of the RBI. So initially, my friends, अगर जो देखा जाए तो SLR और CRR की जो परसेंटेज था या दरें अगर जो हम कहें हिंदी में, तो वो बहुत ज़्यादा थी. इसका मतलब ये है कि कैपिटल लैंड करने के लिए बैंक के हाथ में पैसा बहुत कम होगा. तो ये जो नरसिम्हन कमेटी की पहली रिकमेंडेशन यही थी कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप बैंक्स के हाथ में पैसा बढ़ाएं. यदि बैंक के हाथ में पैसा होगा तो वो बैंक जो है वो ज़्यादा लैंड कर पाएगा मार्केट में, और यदि बैंक लैंड करेगा ज़्यादा मार्केट में तो ही तो मार्केट और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा. और हमें पता है कि 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे उनके बाद में ही ये कमेटी भी बनी थी, और इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हाल फिलहाल में जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कि बहुत ही बद से बदतर हालत में थी, उसको सही यदि करना है तो एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए हमें लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बढ़ानी होगी. और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने का एक सीधा सा तरीका यही होता है दोस्तों कि SLR और CRR जो है उसको कम कर दिया जाए. अगली चीज़ इन्होंने बोली थी, रीडिफाइनिंग द प्रायोरिटी सेक्टर, 10% ऑफ द एग्रीगेट क्रेडिट फिक्स्ड फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर एटलीस्ट. भाई प्रायोरिटी सेक्टर्स, पहली बात तो ये कि प्रायोरिटी सेक्टर्स होते क्या हैं. मैंने पहले भी आपको बताया है पिछली वीडियोस में मेरे कि प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि उन सेक्टर्स में कई लोग जुड़े होते हैं. वो इतने प्रोडक्टिव नहीं हैं परंतु उन सेक्टर्स से काफ़ी लोग जुड़े हुए होते हैं, और यदि लोग उन सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब अगर जो इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उन लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए. यदि उन लोगों का डेवलप नहीं होगा और अगर जो इकोनॉमी डेवलप करती चली जाएगी तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो जाएंगी दोस्तों. तो ये जो है इसको अगर जो आपको फिक्स करना है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आपको लेंडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी. इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट जो होता था ये फिक्स कर दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, परंतु यहाँ पर नरसिम्हन ने एक बात कही कि इसको डीरेगुलेट किया जाए, यानी कि अब बैंक्स डिसाइड करें कि उनको इंटरेस्ट रेट क्या रखना है. देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डीरेगुलेशन ऑफ द बैंक ऑफ द इंटरेस्ट रेट, पर आगे हम देखेंगे कि ये जो डीरेगुलेशन है इसको वापस रिवर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें कई तरीके के ड्रॉबैक्स होते हैं. आगे देखें हम तो स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर अलाउइंग एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स. बैंक्स जो थे उस समय हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी 1991 तक, और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इकोनॉमी, बल्कि बैंक्स को भी इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं मिलते थे. और इसी कारण क्या किया गया, इसी कारण ये कहा गया कि अब जो है नए बैंक्स की एंट्री के लिए भी जो है वो उनको भी मौका दिया जाए. और ये जो स्ट्रक्चरल बैंकिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा स्ट्रक्चर जो है बैंकिंग का उसको बदला जाए और कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए ताकि नए बैंक्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें इकोनॉमी के अंदर. अगला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स. देखिए लोन्स ये जो हम हाल अगर जो बात करें तो कई लोन फेलियर्स हमने देखे हैं. अभी हाल फिलहाल में अगर जो बात की जाए तो माल्या जी, नीरव मोदी, ये कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जहाँ पर लोगों ने लोन तो लिया परंतु उसे चुकाया नहीं. तो उनकी रिकवरी के लिए जो है कि कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूनल का जो है वो गठित किया जाए और उनकी रिकवरी जो है वो रिकवरी प्रोसेस जो है वो फास्ट किया जाए. और उसी प्रकार जो जितने भी बैड लोन्स जो हैं उन लोन से जितना भी हो सके उनसे पैसा वापस ले लिया जाए. नरसिम्हन कमेटी 2 की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बात कही थी ऑटोनॉमी इन बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग को
जो है स्वनिर्भर रहें, ज़्यादा उनके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से क्या होता है कि बैंकिंग जो बैंक्स जो होते हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर का दबाव झेलना पड़ता है, जिस कारण वो अल्टीमेटली दे एंड अप इन गिविंग बैड लोन्स। अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, यानी कि मर्जर ऑफ बैंकिंग जो हो, डबल एस आया दोस्तों यहाँ पर, सिंगल एस होना चाहिए, पर मर्जर ऑफ बैंक्स, मर्जर ऑफ बैंक्स यानी कि छोटे छोटे बैंक्स हमारे, अगर जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं तो छोटा छोटा छोटे अगर जो बैंक्स होंगे तो वो मार्केट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे या उतने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये बोला गया था कि बैंक्स का मर्जर होना बहुत ज़रूरी है, यदि दो बैंक्स को आप मर्ज कर देंगे तो उनके पास काफ़ी बड़ा कैपिटल होगा लोन देने के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी एंड लाइटनिंग ऑफ द प्रोविजन नॉर्म्स, ये जो नॉर्म्स वगैरह जो होते हैं स्ट्रिंजेंट थे उस समय काफ़ी ज़्यादा, और उन स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की वजह से ही होता था कि बैंक जो है अपने लोन्स इतनी आसानी से मार्केट में नहीं दे सकता था, तो उनको ईज डाउन करने की बात कही गई थी। बैंक ओनरशिप, गवर्नमेंट का जो ओनरशिप होती थी बैंक्स में लगभग लगभग 50% या 50% से ऊपर जो होता था गवर्नमेंट होल्डिंग होती थी, और इसी चीज़ को रिड्यूस करने की बात कही गई, क्योंकि इसको 33% तक लाने की बात कही गई थी नरसिम्हन कमेटी में। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि गवर्नमेंट का यदि ओनरशिप या गवर्नमेंट की अगर जो जो होल्डिंग्स अगर जो ज़्यादा रहेंगी तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का सीधा सीधा इंटरफेरेंस बैंकिंग के डिसीजन में, और यदि बैंकिंग के डिसीजन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो बैंक इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स, जी हाँ, ये जो है ये बात भी यहाँ पर कही गई थी कि बैंक्स जो हैं फॉरेन बैंक्स यदि इंडियन इकोनॉमी में एंटर करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर एंट्री दी जाए, और वो अगर जो दी जाएगी तो क्या होगा, कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा, कंज्यूमर को होगा, और कंज्यूमर कौन होंगे दोस्तों, जो कि लोन लेते हैं बैंक्स वगैरह से, तो बैंक से जो लोन लेंगे तो वो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ या किसी भी व्यापार के लिए लिया जाएगा, और यदि व्यापारियों को लोन आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा तो उनका व्यापार करना और व्यापार जो है वो बढ़ेगा, और फाइनली इट विल लीड टू कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट समहाउ। अगला जो है क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू टेक ओवर द बैड डेट, अब यहाँ पर पिछली बार ट्रिब्यूनल की बात कही गई थी, तो ट्रिब्यूनल जो होता है, एक ट्रिब्यूनल बना तो दिया गया है परंतु इट हैज़ नो टीथ्स, इट कैन नॉट कन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज़ एज सच, तो उसके लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था, तो यहाँ पर एसेट जो है रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाने की बात कही, और उन कंपनीज़ को जो है पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिए गए बैड लोन्स। अब वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अब और उनको जो बैड लोन कन्वर्ट हो चुके हैं, जो ऐसे लोन्स हैं जिनसे ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिलने की कोई आशा है, ना ही कोई इंटरेस्ट अमाउंट मिलने की आशा है, तो वो जो है वो कंपनी के ऊपर डाल दिया जाएगा कि वो कंपनी किसी भी तरीके से उनसे निपटे और बैंक को अपना मूलधन राशि जो है वो लाकर वापस करे। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अगली कमेटी है हमारी नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी में बात कही गई थी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स, तो ये बात कही गई थी कि जितने भी स्मॉल हाउसहोल्ड हैं या फिर स्मॉल बिजनेसेस हैं उन तक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचाई जाएँ, इस कमेटी का मूल उद्देश्य था। 2013 में ये कमेटी गठित कही गई थी और इस कमेटी के तहत 6 विजन स्टेटमेंट जो दिए गए थे फॉर द फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल डीपनिंग इन इंडिया, कहने का मतलब ये है कि निचले स्तर तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज का पहुंचाना, और रूरल और रिमोट एरियाज तक में भी लोगों को जो है फाइनेंस की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, और उसके तहत ये जो 6 विजन स्टेटमेंट्स थे वो इस प्रकार हैं। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट्स, सभी के पास में जो है एक बैंक अकाउंट तो हो ही, इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब कि उनके पास में वो कहीं पर भी हों वो इलेक्ट्रॉनिकली दे कैन कनेक्ट विद देयर बैंक अकाउंट। यूबिक्विटस एक्सेस टू पेमेंट सर्विसेज एंड डिपॉजिट्स प्रोडक्ट्स एज रीजनेबल चार्जेस, कहने का मतलब है सभी के लिए जो है पेमेंट सर्विसेज, यदि वो पेमेंट लेना चाहते हैं या वो डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये सभी सुविधाएं एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे उन सभी को अवेलेबल हो, और कहा इसमें यह भी गया था कि 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए एक्सेस पॉइंट की, यानी कि कस्टमर अगर जो चाहे जो भी हो, ओवरऑल अगर जो बोला जाए तो पॉपुलेशन जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी यदि बैंक को एक्सेस करना चाहता है अपने, तो जो बैंक है वो 15 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट इन्होंने बोला था सफिशियंट एक्सेस टू अफोर्डेबल फॉर्मल क्रेडिट, सफिशियंट एक्सेस,
सभी को एक्सेस मिले, अफोर्डेबल फॉर्मल क्रेडिट यानी कि क्रेडिट जो हो अफोर्डेबल हो, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए या प्रोसेसिंग चार्जेस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सभी को इजीली जो है वो लोन मिल जाए, यूनिवर्सल एक्सेस टू रेंज ऑफ डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एट रीजनेबल चार्जेस। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यानी कि RD, FD ऐसा कोई भी प्रोडक्ट वगैरह प्रोडक्ट्स हों तो उनको जो है सभी को उनका एक्सेस मिले और वो भी एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर। यूनिवर्सल एक्सेस टू रेंज ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट एट रीजनेबल चार्जेस। अब यहाँ पर इंश्योरेंस की भी बात कह दी गई है कि यदि कोई इंश्योरेंस सर्विसेज अगर जो लेना चाहता है तो वो भी जो हो वो भी उसका भी यूनिवर्सल एक्सेस हो। राइट टू सूटेबिलिटी, देखिए राइट टू सूटेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि कस्टमर जो है, कस्टमर अब बैंक का कस्टमर जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उसको दिए जाए, ना कि बैंक के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दिए जाए कस्टमर को, यानी कि उसको सूटेबल होना चाहिए, कस्टमर को सूटेबल होना चाहिए कि उसको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, अपनी मर्जी से बैंक उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट थोपे ना। अब प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह का भी टाई अप होता है किसी बैंक्स वगैरह का, स्टार्ट आई की जैसे है बैंक ऑफ इंडिया के साथ में उनका टाई अप है, तो ज़बरदस्ती आप कस्टमर को स्टार्ट आई की इंश्योरेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे प्रोडक्ट को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नचिकेत मोर के वो तो 6 पॉइंट्स हुए, अब रिकमेंडेशंस क्या थी नचिकेत मोर कमेटी की। सबसे पहली रिकमेंडेशन इन्होंने कही थी कि एक यूनिवर्सल बैंक अकाउंट हो, 18 साल से उम्र की से ज़्यादा की उम्र या 18 साल की उम्र के जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के उन सभी के पास एक बैंक अकाउंट हो, और कब तक, जनवरी 2016 टारगेट दिया गया था। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, यानी कि बैंक्स नहीं है पर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं, तो उनका बेसिकली उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको रेगुलेशन में लेके आना। ऐसे ही नहीं कोई किसी भी अपने मन से NBFC किसी ने स्टार्ट कर दी और वो लोन देना शुरू कर दिया, नहीं, उनको स्ट्रीमलाइन करना है। अगला जो है दैट इज़ अलाउड डिफरेंशिएटेड लाइसेंसिंग, यानी कि अलग अलग प्रकार के बैंक्स वगैरह जो होते हैं उन सभी को लाइसेंस दिया जाए। अगर जो उनको लाइसेंस दिया जाएगा तो उनके जो कस्टमर बेस होगा वो बढ़ेगा, सभी लोग जो हैं वो बैंकिंग की सुविधाएं लेने में उनको आसानी होगी, जैसे कि पेमेंट बैंक बनाए जाएँ, होलसेल यदि कोई इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या होलसेल कंज्यूमर कोई हो तो उसको भी होलसेल कहने का मतलब है बड़े अमाउंट पे, लार्ज अमाउंट पे कोई लोन देना चाह रहा है या लार्ज अमाउंट पे कोई लोन लेना चाह रहा है तो ये सुविधाएं जो हों इसके लिए भी जो है प्रोवाइड कराई जाए। उसके अगला पॉइंट जो है मैंडेट लैंडिंग फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शुड बी रेज फ्रॉम करंट 40% टू 50%। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत बोला गया है कि कम से कम बैंक्स को 40% जितना भी वो अपना जो लोन्स देते हैं उनमें से उनको 40% ऑफ द टोटल कैपिटल विच दे आर लेफ्ट विद टू गिव एज लोन, यानी कि कहने का मतलब जितनी उनके पास में राशि बची हुई है जिससे वो लोन देते हैं लोगों को उसका 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए रखना होगा। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर, वो जो है 40% आप 50% तक बढ़ा दिया जाए। मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब ये है कि हर किसी फाइनेंशियल इंक्लूजन यदि हो तो बैंक अकाउंट जो है जिस भी व्यक्ति को अगर जो बैंक अकाउंट खुलवाया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि बैंक अकाउंट खोल दिया गया है और वो ऑपरेशनेबल नहीं है तो ऐसा नहीं हो दोस्तों, कम से कम अगर जो बैंक अकाउंट खुला है तो उस बैंक अकाउंट का यूज़ भी हो, उस प्रकार में मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है आगे चलते हैं। इसी के रिकमेंडेशन पर, नचिकेत मूर की रिकमेंडेशन पर ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स खोले गए थे, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर जो बात करें तो पेड अप कैपिटल लगभग यानी कि मिनिमम जो कैपिटल पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए 200 करोड़ रुपए दोनों में ही है। ऑब्जेक्टिव अगर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम देखें तो टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोविजन ऑफ सेविंग व्हीकल्स एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स एंड अदर एंटिटीज़। तो ये है कि ये जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन सभी को जो है फाइनेंस फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। और वहीं पेमेंट बैंक की अगर जो हम बात करें तो ये जो है ये टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अदर एंटिटीज़। यानी कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उन लोगों तक फाइनेंशियल सुविधा जो है वो पहुँचाने का काम कौन करे, पेमेंट जो बैंक्स हैं वो।
प्रमोटर्स होल्डिंग सेम एज पेमेंट बैंक, और पेमेंट बैंक में जिस तरह से बोला जा रहा है जो भी प्रमोटर होगा उसका इनिशियल 5 ईयर्स में कम से कम 40% जो है उसका टोटल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और 5 साल पूरे होने के बाद में उसको 30% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि अगर जो मान ले फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बैंक को खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये से हम एग्जांपल लेते हैं, तो पहले 40 करोड़ रुपये प्रमोटर के खुद के होने चाहिए उस बैंक में कितने साल तक, 5 साल तक। 5 साल के बाद में, 5 साल से 10 साल के बीच में अब जो है वो उसका जो शेयर है वो 30 करोड़ तक रिड्यूस कर सकता है। वो 10 साल से ऊपर यानी कि 15 साल तक अब उस 100 करोड़ में से सिर्फ 15% यानी कि 15 करोड़ रुपये तक प्रमोटर का खुद का जो है उस बैंक में पैसा होना चाहिए। एग्जांपल की यदि हम बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, और पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो है पेमेंट बैंक। फॉरेन होल्डिंग अप टू 74% यानी कि 74% तक फॉरेन होल्डिंग्स हो सकती है इसमें, और पेमेंट बैंक में अप टू 70%। लैंडिंग ऑपरेशन, कैन लैंड मनी, कौन, स्मॉल फाइनेंस बैंक लैंड कर सकता है, परंतु पेमेंट बैंक जो है वो मनी लैंड नहीं कर सकता है। लिमिट एक्सेप्टेड डिपॉजिट, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, परंतु पेमेंट बैंक के साथ में एक लिमिट दे दी गई है वो है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये से ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, परंतु ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं क्योंकि मनी जो है वो लैंड नहीं कर रहे हैं ये, कौन, पेमेंट बैंक्स। डेबिट कार्ड और ATM की सुविधा की अगर जो हम बात करें तो डेबिट कार्ड और ATM जो है ये इट कैन इशू और ये भी इशू कर सकते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बीच में डिफरेंस मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।